हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाजीपुर में लग चुकी है ड्रीम सिटी डिज्नी मेला, जो कि लग्गा मैदान में लगा हुआ है और ये सावन के महीने में लगा हुआ है। तो इस बार का जो मेला है कुछ खास मुझे नहीं लगा। ये आप देख सकते हैं, चढ़ने के लिए लंदन ब्रिज बनाया गया है, फोटो सेंटर है जहाँ पे आप फोटो शूट करा सकते हैं और यहाँ पे कुछ कपड़े भी लगे हुए हैं जो जिसकी प्राइस है, आपकी सेल प्राइस है 200 या 250। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन थे यहाँ पे। आपका की रिंग सेंटर है यहाँ पे, आप अपने नाम भी लिखवा सकते हैं की रिंग्स वगैरह पे। और ज्वेलरी वगैरह भी है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है कि जो नुमाइश होती है वो बच्चों या लेडीज़ के लिए ही ज़्यादा अच्छी होती है, जेंट्स सिर्फ इसमें घूमने के लिए जाते हैं, वरना शॉपिंग की चीज़ें और झूला वगैरह सब बच्चों के लिए। यहाँ पे सेल लगी हुई थी कुर्तियों की, जो कि 350 में आपको कुर्ती सेट मिल रही थी, कुर्ता एंड प्लाजो। सामने जयपुर की बैंगल्स वगैरह है, वहाँ भी अच्छे अच्छे वहाँ पे बैंगल्स थे। और मैंने अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं एक हाथ में बच्ची खुली हुई थी और एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी, तो उतना अच्छा से वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड जो है कि स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे कपड़े के हैं, ज्वेलरी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, खादी का भी कपड़े लगे हुए हैं और कुछ बर्तन वगैरह है। काफ़ी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ नुमाइश वगैरह में ही मिलती हैं, तो आप आके देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन वगैरह है। मतलब अगर हमें मार्केट घूमना नहीं है तो हम एक बार नुमाइश आके बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। ये सामने घड़ी की दुकान है, वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह, यहाँ पे गिफ्ट वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गेम खिलाए जाते हैं जहाँ से आपको प्राइस में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। और कुछ फुटवेयर के भी शॉप थे जहाँ पे आपको 200-300 में बहुत अच्छे अच्छे जूती और सैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। सो इस बार का जो नुमाइश है वो कुछ खास नहीं है, उतने ज़्यादा बड़ा में नहीं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया था क्योंकि तो बारिश का टाइम है और बारिश वगैरह होने से यहाँ पे कुछ कीचड़ वगैरह हो जाते हैं, तो इस वजह से बहुत मतलब ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। ये पहली बार लगा हुआ है यहाँ पे वाटर फिश टनल, जो कि इसके अंदर फिश है, बहुत सारे मतलब वैरायटी के फिश हैं यहाँ पे। और इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ थी और कई सारे झूले, मतलब झूले भी उतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है, कुछ बच्चों के लिए है और बड़े वाला है, नाव वाला है, ब्रेक डांस है, बस यही है झूले में और कोई खास झूला नहीं है। सो अगर आप अपने बच्चों को लेकर आना चाहते तो यहाँ आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा इंटरटेन हो जाएगा। खाने पीने की भी स्टॉल लगी हुई है जहाँ से आप कुछ भी खा पी सकते हैं। रूहान तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, हम एकदम परेशान हो गए थे उसे यहाँ ला के। सारे बस हम यहाँ आना नहीं चाह रहे थे इस बार क्योंकि एक तो बारिश का भी टाइम था, लेकिन बच्चे ने इतना ज़िद किया कि हमें यहाँ पे आना पड़ा। सो आए तो ठीक ही था, कुछ खास भी नहीं, उतना बुरा भी नहीं है, आप आ सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।